खाया तो पित्त की चीजें मत खाना, अवॉइड ईटिंग पित्त, ठीक है? तो पित्त 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 का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जैसे मत खाओ, ऑयली फूड, एसिडिक फूड, ऑयली फूड बहुत ऑयली ज्यादा होता फूड, है। मिर्च मसाले की चीजें, ठीक है? तो वो चीजों का कंजम्पशन रिड्यूस कर रखना, वात की चीजें कम खाना, राहु वात है। तो अब आदमी खाएगा क्या, वात नहीं खाएगा, पित्त नहीं खाएगा, तो खाएगा क्या, हवा क्या खाएगा? तो उसका तरीका फिर ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रूट्स, थोड़ा बैलेंस कर लें अपने आप को, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो सुबह की एक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। मंगल अगेन फिजिकल बॉडी है, मंगल के लिए सबसे आसान रेमेडी वन ऑफ दी अपनी बॉडी, फुल बॉडी स्वेटिंग एक बार दिन में करो, ठीक है? इतनी मेहनत करो कि बॉडी में से एक बार फुल बॉडी स्वेटिंग हो जाए, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, हेल्थ भी फिट हो जाएगी, और ओवरऑल बेनिफिट ही है उसका, कोई नुकसान तो उसका कुछ भी नहीं है। ओके, एक बात, एक वर्ड ऑफ कॉशन, मंगल के पीरियड में हैवी वर्कआउट मत करना, मतलब वजन उठाने वाले, जर्क लग जाएगा, राहु साथ में है, केतु साथ में है, जर्क लग जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। डू फिजिकल वर्कआउट, जाओ वॉक करो, 1 घंटा वॉक करो, वॉक करते करते पसीना आएगा। वो इंडिया में तो फ्री में जिम लगे होते हैं, वो लोहे वाले, वहां का मुझे पता नहीं, सिंगापुर का वो नहीं यहाँ भी लगे, हर होगा। ब्लॉक के दो चार ब्लॉक के पास में बने हुए हाँ, तो लेकिन वजन मत उठाने वाला काम करना, वजन जो फिजिकल जिम होते हैं, जो वजन नॉर्मल उठाने वाले वॉकिंग जिम होते ठीक हैं, रहेगा, वेट यस डू लिफ्टिंग। डेट, एंड सूर्य की रोशनी में, यानी कि सूर्य इंडिया के हिसाब से बोलता हूँ तो सुबह आजकल 7 बजे सूर्य आ जाता है, 7 बजे सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद करें करें, ठीक, ये एक्टिविटी करें क्वेश्चन है, जी। अगर राहु के लिए करना है तो राहु के लिए मैंने रात को करनी चाहिए वॉक, कल आपने कहा था ना राहु के लिए है तो रात को वॉक। शाम को करें क्योंकि वात का टाइम होता है शाम का, हाँ तो शाम को मतलब इवनिंग टाइम शाम का ग्रीन इवनिंग का टाइम सनसेट, वात का टाइम होता है। हाँ, ओके। दिल और धड़ने वाला टाइम जो होता है मंगल वो वात का होता है, के लिए ठीक है, और मंगल जब के लिए दिल धड़ता मॉर्निंग है। में करना है, और मंगल के लिए क्या मंगल के मॉर्निंग लिए मॉर्निंग में करें, मंगल के लिए, और मंगल हमेशा, मंगल का काम सूर्य की रोशनी में करना चाहिए, क्योंकि ओके। मंगल सूर्य इज ए, देखो कुछ कहानियां बड़े काम आती है जीवन में, सूर्य भगवान राम, मंगल हनुमान जी, भगवान राम के सदा प्रेमी, ठीक? तो सर तो सूर्य की रोशनी में काम करें मंगल के। मतलब अभी जो आजकल का टाइम है वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना, आजकल परसों एक दो दिन वाला टाइम ऐसा कुछ नहीं लग नहीं रहा नहीं ना, ये तो बता, दिखाया तो है, अभी दिखा, अभी तो देखा ना चार्ट में, बुध का हमने बताया थोड़ा सा कि बुध का वो चीज कर बुध लें का तो थोड़ा ये ठीक मसाज हो जाएगा, वगैरह ये तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा हीटिंग ठीक पैड से कनेक्ट करें, ये तो ठीक हो जाएगा, ओके ओके ठीक है? ठीक है जी। कल रात भी मैंने ऑइंटमेंट लगाया था जो थोड़ा सा हीट देती है, लेकिन आज फिर से कर हाँ लूंगी उसको। देखिए यस आपने सूर्य की रोशनी मीन्स बिफोर 12 o'clock, इट मीन्स लाइक मॉर्निंग में दैट कच्ची धूप, मॉर्निंग में जो सबसे साढ़े पहले नौ धूप दस निकलनी शुरू कच्ची होती धूप, है, तो सनराइज मतलब बाय बाय द द टाइम टाइम 8:30, मतलब विद इन 1 घंटे के अंदर वन अंदर आवर ऑफ, सनराइज वन आवर ऑफ सनराइज, कुछ भी दान ठीक भी है? करना था मंगल का तो उसी समय टाइम पीरियड में करना चाहिए, अगर दान भी करना है या चैंटिंग करनी एट दैट टाइम पीरियड ओनली। दान कर लो, दान में आ तो बाद में भी कर सकते हो आप, क्योंकि दान तो सुबह सुबह कैसे करोगे, कैन डू आफ्टर वर्ड्स आल्सो, ठीक है? तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिस का विषय है, बट आसान है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जितना टफ दिखाया जाता है इतना टफ नहीं है, मेडिकल साइंस इज एन इजी सब्जेक्ट एज सच, नॉट अ रॉकेट साइंस। ग्रह देखो कौन से अच्छे हाउसेज है, कौन से बुरे हाउसेज है, उनको पकड़ो, समझ में आ जाएगा बस। रेमेडियल पार्ट आपको समझा दिया, रेमेडियल पार्ट करें, हाउसेज का यूटिलाइज करें। चलो छठे आठवें की मान लो आप वो नहीं कर पा रहे, मान लो मंगल ही है, जैसे इनके केस में पूर्णिमा जी के केस में मंगल ही आ गया तकलीफ का कारक, मंगल को यूटिलाइज करो भैया, अपने शरीर से पसीना निकालो, लोगों को ब्लड डोनेट करो, ठीक है? हनुमान जी की प्रार्थना करो, सिंपल इजी काम। अब बुध आ गया, इनका बुध चल रहा है, अब वहां तो हिजड़े नहीं मिलते, इंडिया में तो मिलते हैं, तो उनको उनको कुछ हरी चीज दे दो, हरा वस्त्र दे दो, हरी चूड़ी दे दो, हरी हरी मिर्च तो नहीं लेंगे वो, हरी मिर्च तो वापस देंगे आपको ऐसे ही ठीक
तो ये मैं बोल रही थी कि जैसे ये चीज इंडिया में किसी से करवा सकते हैं कि वो दे दे हमारे बिहाफ पे, ऐसा हो सकता है कि खुद ही देना जरूरी होता है? देखो अपने द्वारा किया गया कर्म उसका प्रभाव ज्यादा होता है, किसी द्वारा की दूसरे के द्वारा किया गया कर्म उसका प्रभाव इतना नहीं होता। बट इफ नथिंग इज वर्किंग यू कैन डू समथिंग एक्चुअली देन इट देन दे जस्ट से बेटर देन समथिंग बेटर देन नथिंग डू समथिंग राइट। तो वरना तो भैया भगवान के मंदिर में जा करके वहीं पे प्रेयर कर रहा है वो अच्छा है, वो तो गुड थिंग ठीक है। राइट, सो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी खत्म होती है आज। हम यहाँ हमारी जो यात्रा थी ये खत्म होती है 2 महीने की करीब करीब, हमारी 22 या 24 क्लास आई डोंट नो, तो एक बार देख लेना। तो वी डिड इट एंड आई होप कि लॉट ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन यू मस्ट हैव गिन रिसीव ड्यूरिंग दिस जर्नी। एंड जैसे आप लोगों ने बोला था कि अलग अलग सब्जेक्ट पे अष्टक वर्ग पे या डिविजनल चार्ट पे इन पे अलग अलग हम पूरा एक पूरा कोर्स उस पे करें, यस वी विल सर्टेनली डू। फर्स्ट थिंग आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट भृगुनंदी नाड़ी एंड अनदर थिंग आयुर्वेद प्लस एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, प्रोमिनेंटली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विद आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के परस्पेक्टिव पे, और वो एक रेमेडियल पार्ट भी है एक्चुअली वो। तो विल ट्राई टू स्टार्ट दैट फर्स्ट, ठीक है, एंड वी विल डू दैट। और एस्ट्रोलॉजी के परस्पेक्टिव से देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट इज कमिंग अप, सर्वोदो भद्र चक्रा। सर्वोदो भद्र चक्रा इज वेरी, ये जो पद्धति है ये सप्तगिरी वाले जनरली करवाते थे पहले, अभी भी करवाते हैं, वेरी फैंसी, करीब 1.5 लाख रुपए लेते हैं इस पद्धति के वो सप्तऋषि वाले। एंड दिस इज सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा यूज होती है ये पद्धति, ठीक, जितने भी प्रकार के होते हैं। सर्वदो भद्र चक्रा SBC, वैदिक से रिलेटेड होती है ना, नक्षत्रों बेस्ड है, नक्षत्र बेस्ड है, नक्षत्रों पे, ठीक है। तो पहले वर्ग का कोर्स लेंगे अष्टक वर्ग या फिर ये नीति इज गोइंग टू स्टार्ट, नीति इज डूइंग इट, शी इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून दिस कोर्स, ठीक है। मैं जो करवाने वाला हूँ आई विल गोइंग टू स्टार्ट BNN और भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी अष्टक वर्ग का डिविजनल चार्ट करेंगे, बट वो आफ्टरवर्ड्स करेंगे उसको, हम वो आफ्टरवर्ड करते भृगुनंदी नाड़ी और एस्ट्रोलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजी प्लस आयुर्वेद, ये दो सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे पहले। तो भृगुनाड़ी विल बी द फुल कोर्स, भृगुनंदी नाड़ी विल बी द फुल कोर्स, यस फुल कोर्स, राइट, ओके, यस यस राइट राइट। सो ये यात्रा खत्म होती है यहाँ पे। जी बोले बोले, क्या बोल रहे हैं? जी बताए, संजय जैन, संजय जैन, बोले 10th May 1960। समय बोले शाम का 17:50 जगह बोले दिल्ली, दिल्ली ये या ये इनका यस सर हम मून ये हाँ ये सर वो मून का उनका वो स्पाटी ना स्पाटी मून है सर हाँ ये दिस वन है यही है। आपने बोला 10 मई 1960 शाम को 5:50 दिल्ली, वो खाई आ रहा था मून का उनका अटेंडेंट है मून का। पूर्णिमा जी आपकी वॉइस बंद करें, यस
किसी की वॉइस बहुत आ रही है, किसकी है, बंद करें प्लीज जी. ओके नाउ इनका अब क्या इश्यूज, हेल्थ इश्यूज रोमा जी? ना अभी यस हेल्थ इश्यूज सर, अभी कोरोना के टाइम में ही वाज वेरी सीरियसली इल, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, मतलब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं, एंड नाउ ना वो डायबिटिक का प्रॉब्लम आ गई है. आई जस्ट वांट टू नो कि वो हम क्या कर सकते हैं उनको डायबिटिक कंट्रोल में आए. पहले नहीं थी वो, आफ्टर कोरोना के बाद ही आया. He was quite serious during corona time. इनकी दशा क्या है? तो इनकी दशा है केतु चल रही है, I think, मेरे ख्याल से केतु में एक नन्ना बता शनि गुरु. हाँ केतु शनि गुरु, गुरु केतु शनि गुरु. केतु और गुरु, यस सर, केतु और गुरु के अंदर नक्षत्र परिवर्तन है. नक्षत्र परिवर्तन केतु और गुरु में, नक्षत्र परिवर्तन होता है और एक अगर कोई ग्रह नेगेटिव दे रहा हो ना तो बहुत खतरनाक होता है ये. ओके नक्षत्र परिवर्तन बहुत स्ट्रांग होता है. अच्छा ठीक है, और इनकी दशा केतु और गुरु की ही चल रही है. हाँ जी केतु गुरु अशनि अशनि गुरु तो खत्म, गुरु तो चली गई ना, खत्म हो गई ना गुरु की, तो अब शनि चालू है ना सर. 2021 में गुरु तो चला गया ना सर. कहाँ चला गया मैडम? केतु शनि गुरु 2023 जनवरी तक है. 2023 जनवरी तक है. और तीनों के तीनों प्लैनेट आप देखना दोबारा से, मैं दोबारा लगाता हूं. तीनों प्लैनेट आप देखें कि क्या दे रहे हैं. केतु गुरु दे रहा है, गुरु केतु दे रहा है, दोनों ही गुरु जो है सीएसएल है छठे का, शनि जो है सीएसएल है बारहवें का, शनि एनएल है छठे का. ठीक है, और गुरु सीएसएल है, दोनों मिलके दोनों तीनों मिलके जो है इस टाइम तीनों की तीनों जो दशाएं हैं वो बहुत अनफेवरेबल हैं. दे आर वेरी अनफेवरेबल. तकलीफ का कारक है. अब बचेगा कहां से व्यक्ति? बचेगा तो इसको हम देखेंगे पांचवे से. पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या देगा. पांचवा दे रहा है फिफ्थ देगा राहु शुक्र, शुक्र दे रहा शुक्र अगेन शुक्र. ठीक शुक्र, एक बार मम्मा की, एक बार आपकी वॉइस भी बहुत आ रही है. शुक्र बहुत स्ट्रांग है सर, है ना? शुक्र का एनएलबी और एसएलबी शुक्र ही है. शुक्र स्ट्रांग है इनका. हां जी शुक्र स्ट्रांग है, शुक्र इनका बहुत स्ट्रांग है. शुक्र बहुत स्ट्रांग है. इनको बोलो कि शुक्र का काम क्या है, शुक्र का बेसिक एक्टिविटी क्या है. सर मतलब ये लेडीज को रिस्पेक्ट एंड हेल्प है ना सर, यही है सर. शुक्र का काम है खुश मिजाज भी है भाई. शुक्र हर समय अपोजिट जेंडर नहीं है. शुक्र खुश रहना, मौज में रहना, वो भी शुक्र है मौज में रहना. वो उनका नेचर है. ही इज वेरी जॉली नेचर, वेरी जॉली. ये तरीका है. और शुक्र मौज में रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो थोड़ा तकलीफ से बचे रहेंगे, नहीं तो तकलीफ का कारक तो बहुत है इस टाइम पे. अगर आप उपाय देना चाहें इनको तो आपको उपाय इनको देने चाहिए इस टाइम पे. गुरु के और केतु को इनको बोलना चाहिए आप मंत्रों की चैंटिंग करें. गुरु केतु मंत्रों की मंदिर जाते हैं सब, भृतांबर जी पढ़ते हैं, हां गेम्स में जो वो हैं वो सब पढ़ते हैं सर. 1960 का बर्थ है. कितनी उम्र हो गई इनकी सर? ये हो गई 62 62 शुक्र भी एक्टिव है 62 तक, 62 62 शुक्र एक्टिव होते हैं ना सर.
शुक्र एक्टिवेट वाला समझा नहीं मैं ये वाला। आप जो आपने तो जो टेबल लिखवाया था ना कि दिस इज द एक्टिवेट लाइक बाय डिफॉल्ट इस एज में वो एक्टिवेट होता है। अच्छा ग्रह चक्र। हां ग्रह चक्र सर आपने लिखवाया था तो मेरा कि 60 टू 62 शुक्र इज एक्टिव तो लाइक इस समय इनका तो इस टाइम वैसे ही शुक्र एक्टिवेट है। हां जी तो शुक्र की एक्टिविटी इनको जीवन में थोड़ी सी राहत देगी। गुरु के और केतु के लिए इलाज जो है आयुर्वेद और मंत्र चैंटिंग, ये इलाज है मंत्र चैंटिंग और आयुर्वेद। आयुर्वेद तो आयुर्वेद देसी दवाइयाँ लेंगे, शुगर की जो इनको दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने वो ठीक है, अगर ये देसी दवाइयाँ भी शुगर की ऐड करेंगे तो इनको आराम मिलेगा। ओके देसी दवाइयों पर जाएं। जो देखो देसी दवाइयों में क्या होता है जब बीमारी पनप चुकी होती है तो एलोपैथी लेनी ही पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साथ में अगर देसी इलाज भी अपनाएंगे तो आराम ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा और तकलीफ थोड़ी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि एलोपैथी छोड़े, एलोपैथी पे धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है, एलोपैथी एकदम नहीं छूट जाती। ठीक है सर। आप ईटिंग हैबिट्स और आयुर्वेदिक को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना सर। फॉर डायबिटीज होम्योपैथी इज बेटर देन एलोपैथी एंड बेस्ट टू गो इन फॉर सुजोक। लेकिन ये लेकिन पता विडंबना क्या है सुनीता जी, विडंबना ये है कि इस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो नेचुरोपैथी की तरीके हैं उनको बहुत आराम मिलता है उसमें, ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग। अब मैं आपको सही बताऊं सुजोक मोनिका इज नहीं, इसको जरूरत है बताने की, लोगों को समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ एलोपैथिक पे नहीं डिपेंड रहना। और सुजोक जो ना सर आजकल इंस्टेंट असर चाहिए सबसे बड़ी। नो बट मोर देन दैट मैम, ये आपको वो ट्रीटमेंट चाहिए जिससे आपके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो और जो बॉडी की जो नॉर्मल, जैसे बॉडी खराब हुई है वैसे नेचुरली हील हो जाए एंड बैक टू नॉर्मल हो जाए, वो नेचुरल तरीके से ही होती है। राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू नो यूज आयुर्वेदा, यूज एक्यूप्रेशर, यूज दीज थिंग्स एंड यू विल गेट बैक टू नॉर्मल। और विडंबना ये है मोनिका इज रेडी टू डू द सुजोक थेरेपी एंड शी इज नॉट एबल टू स्टार्ट बिकॉज वो ये कह रही है कि मेरे को इतने पार्टिसिपेंट तो दे दो कि मैं स्टार्ट कर सकूं, एंड शी इज राइट नॉट रेडी टू लर्न। लोग लर्न करने के लिए तैयार नहीं है, लोग रेडी है, बिल्कुल वो रेडी है सुजोक स्टार्ट करने के लिए। शी इज लुकिंग टू स्टार्ट सुजोक फ्रॉम लास्ट टू मंथ्स, बीच में फेस्टिवल फेस्टिवल आ गया हमें थोड़ा सा उसको डिले किया। कितने हैं आपके, कितने पार्टिसिपेंट्स अभी? मोनिका के पास बहुत कम है, शी हैव वेरी लेस पार्टिसिपेंट एज ऑफ नाउ, बट शी इज रेडी टू डू दैट। 12 तारीख से स्टार्ट है, दिसंबर 12 तारीख से स्टार्ट है, आई थिंक मंडे से स्टार्ट है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट है शायद ये। बट इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव, यस सुजोक इज वेरी पावरफुल। मैं आपको बता रहा हूं, लेट मी टेल यू, सुजोक हो या प्रॉपर नेचुरल एक्यूप्रेशर हो, अल्जाइमर का केस को नॉर्मल ले आते हैं वापस बैक टू लाइफ, यू नो, एंड कोमा के केस को निकाल सकते हैं, नोबडी एल्स कैन डू इट, गेटिंग अ पर्सन आउट ऑफ कोमा ओनली एक्यूप्रेशर एंड सुजोक कैन डू, सी एलोपैथिक एलोपैथ्स कांट डू, यस एलोपैथ कांट डू, एलोपैथ कांट डू, एलोपैथ is important जब एक intensity इतनी बढ़ जाती है instant relief allopathy दे पाता है, वो एक requirement है, but अगर root से अगर किसी चीज़ को kill करना है तो naturopathy के part है, सुजोक acupressure आयुर्वेद सब naturopathy के अंदर आती है सारी चीजें ये। अब वही एक तरीका है जो जड़ से चीजों को काट सकता है और कोई तरीका नहीं है। secondly acupressure करवाया था शिल्पी शर्मा जी ने, acupressure करवाया था EFT के माध्यम से, ये पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर होता है, शी डिड इट, बायप्रोडक्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, यस यस। और सुजोक इज गोइंग टू स्टार्ट बाय मोनिका, शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, आई थिंक उनकी क्लास स्टार्ट हो रही है सुजोक की।
तो सुजोग इज अ वेरी पावरफुल, और मैं सुजोग करवाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और इज अ वेरी कॉस्टली सब्जेक्ट एक्चुअली, लोग नहीं करवाते हैं जल्दी से सुजोग. एंड वो मन मोर देन द कॉस्टली पार्ट, ठीक से मन से ट्रेन करवाते नहीं है, लोग नहीं करवाते ट्रेन, हाँ, नहीं करवाते, हरी ढरी तरीके से कराते हैं कि आपको आधी चीज पढ़ने पड़ती है, आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता. बट मोनिका जी ने जहाँ से सीखा है ना, दैट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. Yes, Monica did very good. I mean, and she is very good otherwise also. She is very patient. She's good. She's very patient. So, अगर आपको सीखना हो किसी को तो you are welcome. हाँ. तो जो कि magnetic, क्योंकि magnet लगाते हैं, that is जो. नहीं, कई चीजें हैं सुजोक में. एक तो normal pressure लगाइए हाथ से. दूसरा ये लोग जिमी use करते हैं, जिमी से भी दबा देते हैं. You know, pencil हो, जिमी हो, कोई भी चीज हो, particular point पे. तीसरी तरीका है सीड्स, मेथी दाना लगा दिया, मूंग दाना लगा दिया, एप्पल सीड लगा दिया, यू नो बीज सीड थेरेपी. अच्छा, चौथी चीज है मैग्नेट्स. ओके, कई टाइप के मैग्नेट है, मैग्नेट लगाते हैं. पांचवी चीज है कलर. आप किसी जगह पे पेन है तो वहां पे ब्लैक कलर करके छोड़ दीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा. मतलब ये विश्वास कलर भी इसमें आती है. हां, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर. हां, ओके. And so do the same. Color therapy may be एकदम ठीक हो जाता है. Okay, yes. I have been doing it. I had a hip pain on my left hip, और मैं अपना उसपे black paint करके छोड़ देती थी हाथ पे, and it was all right. It became all right. Okay, nice. तो timing क्या है इसका? कुछ है? सुजोका timing दिन में है, दिन में है, दिन में है सुजोका का timing. दिन में नहीं कर पाते? नहीं, थोड़ा मुश्किल है. I think ये check करना पड़ेगा. दिन में या फिर रात को, शायद 9 बजे है, मुझे चेक करना पड़ेगा. फिर भी ठीक है, रात को दिन में थोड़ा 9 बजे. हाँ, तो मुझे एक बार I have to check again with Monica. जिनको नहीं आती है, they must attend, they must learn. It is an Indian method of treatment and you must learn it. Yes, thank you Sunita ji for giving the insight of Sujok. Thank you. राइट, सो ममता जी ने आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है वीडियो खोला होगा अपना. ममता जी आपको नमस्कार, आखिरी क्लास में आपने दर्शन दिए, धन्यवाद आपका. चलिए, सो दैट्स हाउ द सब्जेक्ट फॉर नाउ. और आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं कि आपने करीब 22-23 क्लासेस में मेरे को झेला. अरे राजीव जी, आई ऑलवेज एंजॉय अटेंडिंग योर क्लासेस एंड आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाटएवर यू ऑफर. ब्रिगोडंती हो, आयुर्वेद हो, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट नाउ. और उनको भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिपीट देम आल्सो. सुनीता मैम बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, आपने हमको झेला. मुझे मजा आता है आपके साथ. आपका पेशेंस लेवल इज वेरी गुड. हम तो जीरो ले रहे हैं. आज मैं लेट हो गई थी, आज अब आपने जीरो से इलेक्शन डे है, हमको कितने पॉइंट देने हैं वो तो आप. आज ना दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में इलेक्शन है. यस, तो मैं गई थी, लेट हो गई वहाँ पे. नॉर्मली किसी और का लेक्चर होता तो आई वुड हैव थॉट 5 बज गए, आप क्या अटेंड कर जाएंगे. ऐसे नहीं, राजीव जी का है, आई विल अटेंड व्हाटएवर देयर इज लेफ्ट, आई विल नॉट मिस इट. थैंक यू सीता जी, थैंक यू. प्रैक्टिस करने के बाद आया यू आर आउट ऑफ द वर्ड सर, आपका तो कोई मुकाबला नहीं है. आई एम रियली फ्रॉम माय हार्ट, मतलब आपके लिए तो वर्ड्स बहुत कम है जो बोल लेते हैं ना लोग. वर्ड्स आर रियली लेस फॉर यू, रियली टू गुड सर. आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है. हां, नो डाउट, बिल्कुल सही बात. आप कितना मेडिटेशन करते हो पता है, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और आ जाएगा. आपके क्लास के लिए तो सर हम बाहर भी निकले तो हम उज्जैन में हूँ. उज्जैन में हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. आपके सबके साथ मुझे भी बड़ा मजा आता है. सॉरी, BNN next Sunday? नहीं, एक दो हफ्ते का गैप देते हैं, and then we'll start it. क्योंकि काफी कंटिन्यू हो गए काफी हफ्ते, so you can also enjoy your winter. एक दो हफ्ते का गैप देके, and then we'll start it. विंटर कुछ नहीं होता सर, मुंबई में विंटर मतलब स्वेटर के भी जरूरत नहीं.
हाँ तो थोड़ा सा जब आपने बोला ना कि आज लास्ट क्लास हो रही है लेकिन फिर आपने होप दे दिया कि नहीं तो दूसरा कोर्स भी आ रहा है आगे सही बात है तो ऐसे वस्तु भी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए ना तो वास्तु भी करेंगे जल्दी करेंगे एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बीएनएन देन वी प्रोसीड टू द एस्ट्रो वास्तु आल्सो विल डू दैट एंड आप सबके साथ कारास करने में मुझे भी बड़ा मजा आता है मतलब इट्स लाइक व्हेन आई डोंट इंटरेक्ट विद यू लुक लाइक आई एम मिसिंग समथिंग तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज कुछ 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 रह गया आज कहीं तो इसलिए मैं भी क्लास एस्ट्रो वास्तु रविंदर जी जल्दी स्टार्ट करेंगे मैं आपको डेट बता दूंगा अभी प्लान नहीं किया एस्ट्रो वास्तु तो विल टेल यू एस्ट्रो वास्तु का डेट एंड मुझे इसलिए मैं अपनी क्लास में कभी कोई लिमिटेशन नहीं रखता आप जब मर्जी आओ जितनी मर्जी बार आओ मुझे कुछ आई एंजॉय इट तो मेरे पास कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती अब मुझे हमेशा लगता है जो कुछ है आप सबके साथ शेयर कर लो और फिर भगवान की तरफ से और आएगी चीजें फिर आपके साथ और शेयर कर लो तो अपना सिंपल फंडा ये जो आता जाए वो